इस वक्त हम एक काजू के दुकान पे और यहाँ पे देख सकते हैं कि तरह तरह के यहाँ पे काजू रखा गया है। यहाँ पे अलग से काजू में वैरायटी रखा हुआ गया है, इसमें येलो है, रेड कलर का है, और यहाँ पे जो है उसी तरह से जो है यहाँ पे काजू भी उतना मोटा और पतला होता है। हमारे साथ यहाँ पे कोई लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? रणजीत मापसे। मुझे बताइए कि काजू फेस्टिवल फर्स्ट टाइम गोवा में हो रहा है और बताया गया है कि अगले बार से बार बार होगा, हर साल इसी तरह होता, तो क्या लोगों का कितना रिस्पॉन्स है इस काजू फेस्टिवल? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आई थिंक 10,000 से ज्यादा लोगों ने विजिट किया रहेगा। क्या कहते हैं जब काजू देखने के लिए आते हैं, तो क्या सवाल कह रहे थे उनका काजू के बारे में? यहाँ पे जैसे हमने काजू का जो कल्टीवेशन का वो प्रोसेस दिखाया है, सीड से लेकर सोइंग से लेकर प्लांट से लेकर ग्राफ्टिंग से लेकर फाइनल प्लांट कैसा रहता है, उसके बाद प्रोसेसिंग का कैसा ये रहता है, वैसा वहाँ से एंड तक जैसे फेनी और उर्राक बनाते हैं, वो डिस्टिलेशन वाला पार्ट वो लास्ट में रखा है, पूरा सेटअप रखा है। सेटअप रखा है, किस तरह से उत्पादन किया जाता है, किस तरह से काजू बनता है, किस तरह से काजू से निकलता है। मुझे बताइए कि लोगों का यहाँ पे आते हैं तो क्या लेके भी जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि लगना चाहिए कैसा कुछ रिस्पॉन्स है? हाँ है, जैसे गोवा का रीजन है, जैसे वेस्टर्न घाट का रीजन है, फ्रॉम केरला टू मुंबई तक काजू अच्छी तरह से आ सकता है। वैरायटी मतलब कितने टाइप के जो काजू यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो हमने जो कैश्यू एप्पल है वो यहाँ से, यहाँ के लोकल कल्टीवार है, जो लोकल अच्छे जो प्रोडक्शन देते हैं वो वाले हैं, और ये वाला जो है वो वेंगुला 7 वैरायटी वाला है, जो ग्राफ्टेड प्लांट रहता है और वो बहुत फेमस है यहाँ। काजू जो ये अभी काजू है, क्या इससे बड़ा भी काजू होता है? हाँ होता है। आज हमें हमारे यहाँ पे डिस्प्ले के लेने हैं, लेकिन कल हमारे पास बहुत साइज का जूस ज़्यादा निकलता है वैसे फ्रूट से। ये जो इवेंट है कितना दिन का है? आज लास्ट डे, लास्ट डे दो दिन का था ना? दो दिन का था कल, इसलिए आपने बोला कि कल इसके लिए। आप पेड़ भी बेचते हैं यहाँ? ये वाले प्लांट जो है ग्राफ्ट है, वेंगुला 4 जो वैरायटी है 27, ये 80 रुपीज पर प्लांट से सेल करते हैं। 80 रुपीज एक प्लांट? सभी टाइप के हैं? नहीं, एक ही टाइप के हैं, टाइप के है। क्योंकि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये वैरायटी, हाँ। इसलिए एक ही टाइप के लेके आए। चलिए धन्यवाद सर। यस, तो देखा आपने जिस तरह से जो है यहाँ पे काजू का उत्पादन कैसे उगाया जाता है, उसके बाद जो है काजू पूरा जो है यहाँ पे बनता है, और पकने के बाद जो है उसको जो उसका पीस होता है उसको तोड़ा जाता है। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है ये काजू है, इसको फ्राई किया गया है, और फ्राई करने के बाद जो है उसको आप खा भी सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे लोग जो है यहाँ पे आके जो है इसको फोड़ के खा रहे हैं, और यहाँ पे एक मशीन रखा हुआ है, आप मशीन से भी इसको कट कर सकते हैं। देखिए जिन्होंने कटिंग किया हुआ है, एक पार्ट जो है इसके अंदर जाता है, जो उसका जो छिलका होता है वो दूसरे साइड में निकलता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक मशीन रखा गया है, यहाँ पे काजू के जो जूस से जो काजू फेनी बनता है, या उसे उर्राक बनाया भी जाता है, और ये उसका प्रोसेस जो है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ से जूस निकालेंगे, जिस तरह जो है ये भट्टी है, और भट्टी में डाल के जो है उसको काजू और उर्राक बनाया जाता है।